जदयू प्रत्याशी अशोक चौधरी ने मार्कन सीओ में किया जदयू कार्यालय का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी दरमियान मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज प्रत्याशी अशोक चौधरी ने चुनावी जनसंपर्क किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सकरा विधानसभा क्षेत्र के मार्कन और सीओ चौक पर अपने चुनावी कार्यालय का फीताकाट का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता ने मार्कन चौक पर जदयू प्रत्याशी अशोक चौधरी को फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस बीच अशोक चौधरी जिंदाबाद का नारा लगाते रहा। इस मौके पर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें मार्कन के समाजसेवी चुनचुन शर्मा, बिष्णुपुर श्रीराम के पूर्व मुखिया राजीव ठाकुर, रामपुर कृष्णा पंचायत के मुखिया अर्चना कुमारी, पंकज ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से हमारे आशीष राजा की रिपोर्ट। जिला में अगर महिला जनप्रतिनिधि मिठाई अगर देती है तो सम्मान चाहिए नीतीश कुमार का देना। अगर नीतीश कुमार 2006 में महिलाओं को आरक्षण के तहत अगर न लिया होता तो 7 महिलाओं को कोई अपना कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं था। सब जेंस अपने कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार था। अब महिलाओं को अगर कोई कुर्सी देने का काम किया है उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहा है। महिला समूह